हाँ तो प्रिय बच्चों, आज मैं आपको ये जो प्रमुख देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस की पहली जो किताब है इसका प्रमुख देशों की राजनीतिक व्यवस्था नाम है। इसके लिए आप बुक खरीदना चाहो, खरीदनी पड़ेगी, तो पुखराज जैन या गेल खड़िया में से दो दो जो लेखक हैं उनमें से आप किसी की भी आप परचेज कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि किताब के माध्यम से ही पढ़ाई करना, क्योंकि कुछ बच्चे पास बुक सीरीज वगैरह के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इसलिए किताब दी बेस्ट है। तो यहाँ क्या है कि जो प्रमुख देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं इनमें जो दुनिया के जो महान जो राष्ट्र हैं, बड़े जो राष्ट्र हैं जिनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है कि निराली है, या उनकी राजनीतिक व्यवस्था ने कितनी अन्य देशों को प्रभावित किया है, उन देशों को क्या है कि उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। बेसिकली वहाँ का जो संविधान है उसे संविधान के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। तो दुनिया के जो महान जो राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, आपका चाइना, तो जो पांच जो देश हैं इनके जो संविधान हैं उनका क्या है कि छोटा उनका अध्ययन इसमें करवाया जाएगा। तो यहाँ क्या है कि जो विश्व के जो दो महान राष्ट्र हैं अमेरिका और इंग्लैंड, इसके बाद में जितने भी जो राष्ट्र हैं उनको या तो अमेरिका ने की राजनीतिक व्यवस्था ने प्रभावित किया है, नहीं तो निश्चित रूप से क्या है कि इंग्लैंड ने किया। एक और एक अलग राष्ट्र है जिसे चाइना कहा जाता है। चाइना क्या है कि एक अलग कंट्री है, उसकी साम्यवादी विचारधारा है, तो साम्यवादी विचारधारा का अध्ययन उसमें किया जाएगा। मगर बेसिकली क्या है कि दुनिया के जो देश हैं उनमें से क्या है कि जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड सबसे महान राष्ट्र रहा है और इसने दुनिया के ऊपर राज किया है। एक बार कहा जाता था कि इंग्लैंड का जो साम्राज्य है इसका सूर्य का भी क्या है कि अस्त नहीं होता। तो वहाँ इंग्लैंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने आप में निराली है। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको इंग्लैंड के बारे में बताएंगे, उसके बाद में एक दूसरा महान राष्ट्र जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र है जिसे अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका की अध्यक्षतात्मक व्यवस्था के बारे में आपको बताया जाएगा। और वहाँ का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, उस संविधान का आपको अध्ययन करवाया जाएगा। इसके बाद में एक नया एक बहुत अच्छा देश है स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है, तो यहाँ वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अस्तित्व में है कुछ कैंटन में, तो उसका भी आपको अध्ययन की करवाया जाएगा। वहाँ कार्यपालिका का एक अलग स्वरूप है जिसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, तो बहुल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपका स्विट्जरलैंड है। उसके बाद में क्या है कि एक देश था, देश ने एक नारा दिया था कि ऐसे ऐसे वालों के लिए है जिसे हम जापान कहते हैं। तो जापान एक ऐसा राष्ट्र है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा क्या है कि क्षति उठानी पड़ी थी, उसके ऊपर दो परमाणु बम भी फोड़े गए थे अमेरिका के द्वारा, मगर इसके बावजूद भी वो खड़ा हुआ। और आज क्या है कि वो आर्थिक मामलों में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो जापान एक बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान की क्या है कि कई समस्याएं हैं और भारत के साथ उसके अन्य जो रिश्ते हैं वो काफ़ी क्या है कि महत्वपूर्ण हैं। जापान की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया करवाया जाएगा। और उसके बाद में क्या है कि 1949 में एक देश आज़ाद हुआ जिसे चीन कहा जाता है माओ के नेतृत्व में। तो माओ के नेतृत्व में जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ का संविधान बनाया गया, तो उस संविधान का हम अध्ययन करें। तो सबसे पहले क्या है कि यूके आता है, इंग्लैंड, जिसे क्या है कि यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यहाँ जो भी इस दुनिया में जो भी देश है, भले छोटा देश हो या बड़ा देश हो, तो वहाँ सभी ने क्या है कि संविधान को लिखित रूप में क्या है कि अपनाया है। अमेरिका धरती के ऊपर एक ऐसा राष्ट्र है जिसने सबसे पहली बार क्या है कि लिखित संविधान को लागू किया, मगर यूके इंग्लैंड एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ क्या है कि संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ क्या है कि अलिखित संविधान है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, अभिसमय हैं जिसे हम रूढ़ियाँ कहते हैं, उन अभिसमयों उन परंपराओं के आधार से ही क्या है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का संचालन होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि इंग्लैंड के लोगों का राजनीतिक स्टैंडर्ड कितना हाई होगा, उनकी राजनीतिक मामलों में मेच्योरिटी कितनी हाई होगी कि वो क्या है कि उनको आवश्यकता ही नहीं है कि वहाँ का संविधान लिखित हो।
तो इंग्लैंड एक ऐसा राष्ट्र है जिसने क्या है कि जहां संविधान लिखा गया नहीं है, मगर इंग्लैंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करने के लिए हम ये कहते हैं कि आज दुनिया के जो देश हैं, भले इंडिया हो, भले अमेरिका हो, भले कोई देश हो, तो वहां क्या है, डेमोक्रेसी है, वहां क्या है कि गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वहां का जो मुखिया होता है उसका चुनाव होता है जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मगर इंग्लैंड क्या है कि एक ऐसा देश है जहां आज भी क्या है कि राजतंत्र अस्तित्व में है। राजतंत्र का मतलब यह है कि वहां का जो शासन का जो मुखिया होता है, राजा होता है, राजकुमार भी हो सकता है, रानी हो सकती है, राजकुमारी हो सकती है, तो वो लोग क्या है कि अपना जो पद है वो आनुवंशिकता के हिसाब से क्या है ग्रहण करते हैं, वहां उनका कोई चुनाव नहीं होता है। तो वहां क्या है कि आप दुनिया के जो देश हैं, मैक्सिमम जो देश हैं जहां राजतंत्र को क्या है दृष्टि से देखा जाता है, और इसे राजशाही से आजादी प्राप्त करने के लिए इतिहास में कई लड़ाइयां लड़ी गई, तो यहाँ क्या है कि मगर इसके बावजूद भी इंग्लैंड में क्या है कि राजतंत्र क्या है कि अस्तित्व में है, और इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लैंड की जो जनता है, वो अपने राजा को, अपनी महारानी को, अपने राजकुमार को, अपनी राजकुमारी को काफ़ी क्या है कि महत्व देते हैं, वो काफ़ी सम्मान के प्रतीक हैं। तो यहाँ इंग्लैंड और जापान इस प्रकार के राष्ट्र हैं जहाँ राजतंत्र अस्तित्व में है, मगर इसके बावजूद भी ये जो राजतंत्र है इसने क्या है कि ये जो राजा महाराजा होते हैं वहाँ के, उन्होंने क्या है कि जनता के सम्मुख कभी भी समस्याएं क्रिएट नहीं की। तो यहाँ कहा कि इसके बावजूद भी आज दुनिया में राजतंत्र अस्तित्व में नहीं है, मगर दो जो देश हैं इनमें क्या है कि राजतंत्र है। तो यहाँ इंग्लैंड का जो राजनीतिक व्यवस्था है इसका अध्ययन करने के लिए हमें इसका इतिहास देखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जैसे मैग्ना कार्टा हुआ था 12 जून 1215 को, उसके बाद में क्या है कि 1688 में क्या है कि गोरखपुर क्रांति हुई थी, उसके बाद में क्या है बिल ऑफ राइट्स हुए थे, उसके बाद में कई इस प्रकार की घटनाएं हैं, उन घटनाओं का क्या है कि इसमें अध्ययन किया जाएगा। वहाँ क्या है कि इंग्लैंड का जो राजा है उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या वो संवैधानिक वास्तविक प्रधान है या संवैधानिक प्रधान है, तो वो इसमें देखा जाएगा। जहाँ तक इंग्लैंड की संसद का सवाल है, तो इस दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट हैं उन संसदों की जननी क्या है कि यूके की संसद है, तो इंग्लैंड की संसद को सभी संसदों की क्या है कि जननी कहा जाता है। तो यहाँ क्या है कि दो सिद्धांत हैं, या तो आप संसद की सर्वोच्चता को महत्व देते हो, या फिर क्या है कि आप न्यायपालिका की न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थिति देते हो। तो यहाँ अगर हम इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो यहाँ क्या है कि संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया, और हम इसके बाद में हम अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, तो अमेरिका में क्या है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है उसको क्या है कि महत्व दिया गया। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कुछ मामलों में संसद सुप्रीम है, कुछ मामलों में न्यायपालिका है, यानी कहने का मतलब है कि भारत के जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे या हमारे भाग्य विधाता जो लोग थे, उन्होंने क्या है कि बीच का मार्ग अपनाया। यहाँ ना तो संसद सर्वोच्च है ना न्यायपालिका सर्वोच्च है, बैलेंस का बीच का रास्ता अपनाया गया है। तो यहाँ इंग्लैंड की जो संसद है वो इतनी पावरफुल है कि वहाँ एक डी लोमे नाम का एक विचारक है, डी लोमे ने कहा कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकती। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लैंड की संसद के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि उसको कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। इसलिए चुनौती नहीं दे सकता कि वहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता या स्वतंत्रता का सिद्धांत नहीं है, वहाँ न्यायपालिका संसद के अंडर में काम करती है। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लैंड की जो संसद है वो सर्वोच्च है। तो इंग्लैंड की संसद क्या है कि अभी डी लोमे ने कहा था, इंग्लैंड की संसद जो भी कानून बनाती है उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए इस दुनिया में जितने भी जो पार्लियामेंट्स हैं, संसद हैं, उनमें इंग्लैंड की संसद को क्या है कि सर्वोच्चता की हैसियत प्राप्त है। इसके बाद में क्या है कि वहाँ की संसद के दो सदन देखे जाते हैं, एक सदन को क्या है कि लोक सदन कहा जाता है। लोक सदन का मतलब यह है कि वहाँ की जो जनता के द्वारा जो कैंडिडेट चुनते हैं उनमें लोक सदन आता है, और दूसरे को क्या है कि दूसरा एक सदन है जिसे क्या है कि लाट सभा कहा जाता है। तो लाट सभा और लोक सदन ये दो प्रकार के सदन है वहाँ। तो वहाँ क्या है कि इंग्लैंड की जो संसद है सभी संसदों की जननी है, और उसके बाद में वहाँ एक डाइसी नाम का एक विचारक आया था। डाइसी ने क्या है कि विधि का शासन का सिद्धांत क्या है कि बनाया था। तो डाइसी ने विधि का शासन के तीन सिद्धांत बनाए थे, क्या थे, तो उनको क्या है कि जब ये चैप्टर शुरू करेंगे तब हम बताएंगे आपको। इसके बाद में क्या है कि दूसरा संविधान आता है,
दूसरे देश की एक राजनीतिक व्यवस्था आती है जिसे अमेरिका कहा जाता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि इस धरती के ऊपर जितने भी जो राष्ट्र हैं उनमें सबसे शक्तिशाली राष्ट्र क्या है कि अमेरिका है। अमेरिका को क्या है कि कोई चुनौती नहीं दे सकता, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जो राष्ट्र हैं उसके पास सबसे ज्यादा क्या है कि हथियार है, उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रोंग है, और कई मामलों में क्या है कि अमेरिका सब देशों से क्या है आगे है। तो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का आपको अध्ययन करने को अवसर मिलेगा। यहाँ भी जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि दुनिया के ऊपर दो ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं ने दुनिया के देशों को क्या है कि प्रभावित किया है। 1950-1960 के दशक के आसपास जब लोग आज़ाद हो रहे थे तो उनके सामने क्या है कि दो पैटर्न थे, या तो आप अमेरिका के मॉडल को अपना सकते हैं, नहीं तो निश्चित रूप से क्या है कि इंग्लैंड के मॉडल को अपना सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि किस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने सबसे ज़्यादा देशों को प्रभावित किया है, तो निश्चित रूप से आंसर इंग्लैंड होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने क्या है कि लंबे समय तक कई देशों को क्या है कई देशों के ऊपर बहुत से देशों के ऊपर शासन किया था। जब लंबे समय तक जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया, तो हम लोग 200 साल तक क्या है कि उनके हैबिचुअल हो गए थे। जब इंग्लैंड अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो हमने क्या है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको अपनाया। मगर यहाँ क्या है कि जो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था है, अमेरिका की में संसदात्मक व्यवस्था नहीं है, वहाँ क्या है कि प्रेसिडेंटल सिस्टम है। राष्ट्रपति क्या है अध्यक्षतात्मक शासन है, और जिसका मुखिया क्या है कि राष्ट्रपति होता है। तो वहाँ क्या है कि इंग्लैंड अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ वासी गठन के नेतृत्व में वहाँ फिलाडेल्फिया सभा में संविधान बनाया गया था। तो अमेरिका का संविधान इस धरती के ऊपर जितने भी संविधान हैं उनमें क्या है कि सबसे छोटा संविधान है। पढ़ा लिखा जो आदमी होता है आधा घंटे में क्या है कि अमेरिका के संविधान को पढ़ सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो इंडिया का संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर क्या है कि भारत के संविधान को बड़ा स्वरूप दिया था। उनके सामने कई इस प्रकार की समस्याएं थी, कई व्यावहारिक कारण थे जिनके कारण उन्होंने संविधान को बड़ा बनाया। मगर अमेरिका का जो संविधान है उस बहुत छोटा संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। तो वहाँ क्या है कि कोई भी पढ़ा लिखा जो आदमी व्यक्ति होता है वो आधा घंटे में पौन घंटे में क्या है कि अमेरिका के संविधान को पढ़ सकता है। मगर इसके बावजूद भी आज लगभग कितना साल हो गया अमेरिका को, 1773 के आसपास अमेरिका का संविधान बना था, 89 के आसपास, मगर इसके बावजूद भी वो इस संविधान क्या है कि चल रहा है। और अमेरिका का संविधान हार्ड है, उसमें आज तक क्या है कि मैक्सिमम क्या है कि 26-27 के आसपास अमेंडमेंट हुए हैं, जबकि भारत में का संविधान 1949 में बना था, 50 में लागू हुआ 26 जनवरी को, और आज क्या है कि लगभग 125 क्या है कि अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा संविधान है, और इस छोटे संविधान की अनुपम छोटे संविधान के साथ साथ ये क्या है कि सबसे कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट होता है इसमें जो संशोधन होता है वो क्या है कि एक अलग प्रक्रिया के तहत होता है। जहाँ तक अमेरिका के संसद का सवाल है, अमेरिका के संसद को वहाँ कांग्रेस कहा जाता है, और वहाँ भी इंग्लैंड की तरह क्या है द्विसदनात्मक व्यवस्था भी को अपनाया गया है। एक सदन क्या है कि लोक प्रतिनिधि सभा है जिसका कार्यकाल 2 साल है। दूसरा क्या है कि एक सीनेट है। तो सीनेट क्या है कि जितने भी जो राज्यों का जो सदन है उनमें पावरफुल है। सीनेट क्या है कि अमेरिका के में 100 राज्य हैं और 50 राज्य हैं, हर स्टेट से क्या है कि 2 सीनेटर चुने जाते हैं, इसलिए सीनेट की संख्या जो है सीनेटरों की संख्या है वो 100 है। तो यहाँ क्या है कि सीनेट काफ़ी पावरफुल होती है, और सीनेट में क्या है कि इस प्रकार के राजनेता आते हैं जो अखिल अमेरिका की प्रवृत्ति के होते हैं, तो वहाँ क्या है कि इसकी अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि अमेरिका में जैसे भी मैं बता रहा था कि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया, तो वहाँ क्या है कि वहाँ की न्यायपालिका का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। तो वहाँ की जो न्यायपालिका है वो न्याय पुनरावलोकन का क्या है कि अधिकार का यूज करती है। यहाँ सबसे पहले जो न्याय पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो क्या है कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से ही निकल कर आया है। 1803 में एक मुकदमा हुआ था जिसे मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद कहा जाता है, तो वहाँ चीफ जस्टिस मार्शल था, उन्होंने निर्णय सुनाया कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। इस बात का फैसला सुनाने के लिए क्या है कि न्यायपालिका अधिकृत है, और न्यायपालिका क्या है कि संविधान विरोधी जो कार्य निर्णय लिए जाते हैं निर्णय लागू किए जाते हैं उनको गैरकानूनी भी घोषित कर सकती है। उसके बाद में क्या है कि जैसे अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत की न्यायपालिका है और देशों की न्यायपालिका है, वो भी क्या है कि न्याय पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है
वो क्या है कि यहाँ एक्टिव है, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का यूज करती है, तो ये अमेरिका के देन है। इसके बाद में क्या है कि वहाँ एक शक्ति प्रथाकरण का सिद्धांत आता है, जैसे डाइसी था, सॉरी हाँ, तो वहाँ क्या है कि लॉर्ड ब्राइस था, तो उसने एक किताब लिखी थी, तो उसमें ये जो आपका शक्ति प्रथाकरण का जो सिद्धांत है इसका वो समर्थक था। तो अमेरिका में शक्ति प्रथाकरण के सिद्धांत को अपनाया गया है, मगर साथ ही साथ क्या है कि एक शक्ति अपने विभक्त क्षेत्र में ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, तानाशाही ना हो जाए, इसलिए उसमें क्या है कि बैलेंस भी स्थापित किया है। तो जब पढ़ाएंगे आपको शक्ति प्रथाकरण डिटेल से बताएंगे। इसके बाद में आपका स्विट्जरलैंड आता है, तो स्विट्जरलैंड की दो चीज़ें अहम है, वहाँ क्या है कि एक तो बहुल कार्यपालिका है और वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अस्तित्व में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब जैसे वहाँ जनता खुद एक इकट्ठा होकर क्या है कि अपने फैसले लेती है, यही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। मगर आज यहाँ जैसे भारत और चाइना की जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है, करोड़ों लोग देशों में रहते हैं, तो वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। मगर इसके बावजूद भी स्विट्जरलैंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक अनुपम उदाहरण क्या है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसके बाद में जापान आता है, एशिया एशिया वालों के लिए है। जापान की राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। मैं बता रहा था आपको कि यहाँ क्या है कि दुनिया की में दो महान राष्ट्र है, जहाँ क्या है कि राजतंत्र अस्तित्व में है, एक इंग्लैंड है, एक आपका जापान है। तो जापान को क्या है कि सेकंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, उसके दो बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर परमाणु बम डाल दिया गया था और वहाँ उसको तबाह कर दिया गया था। मगर इसके बावजूद भी लगभग 60-70 साल के छोटे से अल्पकालिक इतिहास में जापान ने आर्थिक मोर्चों के ऊपर वो उन्नति की है जिसे क्या है कि आज अमेरिका भी क्या है कि भयभीत है। तो वहाँ ये जो आपका जापान है, जापान की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद में क्या है कि एक नया राष्ट्र उभर कर सामने आया 1949 में, चाइना, जिसके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दीजिए, जब वह जगेगा तो दुनिया को हिला देगा। आज चाइना के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो उनसे भयभीत हैं, वो उनसे क्या है कि चीन हमेशा ही क्या है कि अड़ंगा लगाता रहता है। अभी जैसे भारत और चाइना के बीच में किस प्रकार के रिलेशन चल रहे हैं वो आप सभी जानते हो। तो यहाँ चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसका भी क्या है कि आपको अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद में कल से क्या है कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद में पहला जो पार्ट है वो परसों से शुरू करेंगे। धन्यवाद।